From the constrained motion topic, we are given another very, very popular and interesting question. Have a look on the question. We are given two blocks of mass small m, which one are connected by a massless and frictionless string, as you can see in the figure. At the midway of the string, there is another block of mass under root 2m is connected. Now, if system is remaining in equilibrium, then we have to determine the value of the angle theta shown in the figure. Given that pulley and strings are frictionless, means on the both side of the pulley, the value of the tension will be same. Now see here, for a system to be remain in equilibrium, the net force acting on the system should be zero. Now please see here, agar hum baat karein is chote se wale block M ke bare mein baat karein, to is block ko jara samjho, iska jo free body diagram hai, is par dekho niche iska weight act kar raha hoga mg. और ये जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसमें टेंशन टी एक्ट कर रहा होगा. अब चूंकि ब्लॉक हमारा यहाँ पर रेस्ट की पोजीशन में है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन है वो वेट एम जी को बैलेंस कर रहा होगा. सो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर टेंशन की वैल्यू मिल जाती है टी इक्वल्स एम जी. ऑन द यू नो अदर साइड देयर इज अनदर आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ मास एम विच वन इज कनेक्टेड बाई द स्ट्रिंग. सो हियर टेंशन विल बी ऑल्सो द सेम, दैट इज द एम जी. टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग. नाउ हैव ए लुक ऑन द मिडवे ब्लॉक. जो ब्लॉक बीच वाला है, जरा इसके बारे में बात करते हैं. ये ब्लॉक अभी रेस्ट की पोजीशन में है, तो देखो जरा ध्यान से, इस ब्लॉक पर दोनों ही साइड में टेंशन फोर्स एक्ट कर रहे हैं. इस तरीके से आप देख सकते हैं टी टी. अब इस टेंशन के को हम कंपोनेंट के लिखने के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं. इसका एक पार्ट बनेगा देखो वर्टिकल अप, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है. तो वर्टिकली अप क्या पार्ट जाने वाला है, ये पार्ट बनेगा टी कॉस थीटा. वहीं अगर बात करें हॉरिजॉन्टल पार्ट जो बनेगा इस टेंशन का, वो बनने वाला है टी साइन थीटा. अब चूंकि ब्लॉक राइट साइड मूव नहीं कर रहा है, ना ही लेफ्ट में जा रहा है, इसका मतलब जरूरी है कि इस पर लेफ्ट साइड में भी एक ऐसा ही टेंशन या एक ऐसा ही फोर्स लगा हो जो इसे कैंसिल आउट कर रहा होगा. यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरी साइड में स्ट्रिंग ने वर्टिकल से जो एंगल बनाया होगा, ये एंगल थीटा होना चाहिए, तभी इसका इस तरफ पार्ट टी साइन थीटा आएगा और इसे कैंसिल करेगा. इनडायरेक्टली आप ऐसा निकाल सकते हैं, ऐसा आप यहां से देख सकते हैं. वहीं अगर बात करें इस टेंशन टी का दूसरा पार्ट, ये ऊपर जाने वाला है और ये भी कितना बनेगा, टी कॉस थीटा. तो हॉरिजॉन्टल पार्ट टी साइन थीटा कैंसिल आउट हो गए. अभी इस ब्लॉक पर वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए तो दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जो कि है टू टी कॉस थीटा, टू टी कॉस थीटा, जो ब्लॉक अंडर रूट टू एम जी का है, और इस पर नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा अंडर रूट टू एम जी. और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब वर्टिकल फोर्स भी कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इस बड़े वाले ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वर्टिकली अप टू टी कॉस थीटा, ये इसके वेट टू अंडर रूट टू एम जी से कैंसिल हो रहा है. दैट इज टू टाइम्स ऑफ टी. टी के प्लेस पर एक काम करते हैं, आप यहां पर लाकर इसकी वैल्यू को रखें, जो कि हमें मिला है एम जी कॉस थीटा इक्वल्स अंडर रूट टू एम जी. दोनों ही साइड से आप देख सकते हैं ये एम जी कैंसिल आउट हो जाएंगे. हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स अंडर रूट टू बाई टू, जो कि आ जाता है वन बाई रूट टू. नाउ थिंक अबाउट द एंगल थीटा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच कॉस थीटा इज वन बाई रूट टू. यू विल से थीटा विल बी 45 डिग्री. इट इज क्वाइट ओवियस, इट इज क्वाइट ओवियस दैट थीटा शुड बी 45 डिग्री. सो फॉर द सिस्टम टू बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, द एंगल मेड बाई द स्ट्रिंग्स विद द वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी 45 डिग्री.